पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोरोना टेस्टिंग पर शकूक जाहिर होने लगे हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा है, इस हवाले से लाजमी तौर पर पीसीबी की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से कोई डील हुई है। पहले टेस्ट के 48 घंटों के दौरान पसे पर्दा जो कुछ हुआ हम इस बारे में नहीं जानते। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, मुझे इन नतायज पर शकूक हैं। 22 जून को जब पहली बार टेस्ट हुए तो नतायज सामने लाना ही नहीं चाहिए थे। साबिक कौमी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने दौरा इंग्लैंड को अहम करार दे दिया। अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना टेस्ट के मामले पर थोड़ी बद इंतजामी दिखाई। इन्होंने कहा, मोहम्मद हफीज़ को सोशल मीडिया पर कोरोना टेस्ट के नतायज डालकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ महाजराई से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा तर्ज अमल अपनाएंगे तो इनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान में आइंदा माह से ऑनलाइन कोचिंग कोर्सेज, अंपायर क्लिनिक और टेक्निकल ऑफिशियल कोर्सेज मुनक्किद करेगी। कोचिंग कोर्स 5 से 9 जुलाई तक मुनक्किद होगा। ये कोर्सेज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नामजद बैनुल अक्वामी हॉकी कोचेस के जरिए होंगे। हर कोर्स में 15 से 20 अफराद शिरकत करेंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन इन कोर्सेज का एहतमाम पाकिस्तान कोचेस, अंपायर्स और टेक्निकल ऑफिशल्स में महारत की सतह को बढ़ाने के लिए कर रही है। कोचिंग कोर्सेज 5 से 9 जुलाई तक और टेक्निकल कोर्स 12 से 17 जुलाई तक मुनक्किद होगा, जबकि अंपायर्स क्लिनिक कोर्स की तारीखों का फैसला होना अभी बाकी है। इंग्लैंड के खिलाफ एक तवील सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम खसूसी प्रवास के जरिए मैनचेस्टर पहुंच गई। मैनचेस्टर पहुंचने वालों में स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 टीम ऑफिशल्स शामिल हैं। ख्याल रहे, ग्रीन शर्ट्स दौरा इंग्लैंड के दौरान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वूस्टर में 14 रोज करंटीना गुजारने के बाद प्रैक्टिस करेगी, जिसके बाद वो 13 जुलाई को डर्बी शायर रवाना हो जाएगी, जहां वो काउंटी ग्राउंड पर 4 रोज़ा मैच खेलेगी। दौरा इंग्लैंड के दौरान टेस्ट टीम की क्यादत अजहर अली जबकि T20 के कप्तान बाबर आजम होंगे। लिवरपूल फुटबॉल क्लब की तारीखी फतह के जश्न के दौरान शायकीन की पुलिस से झड़पें। लिवरपूल में स्पीयर हेड के मुकाम पर नामालूम शख्स ने सरकारी इमारत पर पटाखा फेंका, जिससे इमारत में आग भड़क उठी। शायकीन ने पुलिस पर हमला भी किया, ताहम पुलिस ने हजूम को मुंतशर करने की कोशिश की। इधर लिवरपूल के मेयर ने पुरतशद्दद हमलों की वीडियो शेयर कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले 19 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। लिवरपूल क्लब ने जुमरात की रात 30 सालों के बाद पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम किया था।